जो जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च किए हैं। और मैं एक्सिडेंट आर्मी सोल्जर युवराज कुमार नाऊ, असिस्टेंट टीचर, मैं सबसे पहले एक ही प्रार्थना करूंगा कि 2897 शिक्षक जो हमारे प्रदेश में और जो हमारी बहन हेमा सिंह मैडम है, कहीं ना कहीं वो भी ज्ञापन सौंपने आई थी और ज्ञापन सौंपने जाते समय दिमागी डिस्टर्बेंस हम सभी शिक्षक के, और जाते जाते एक हादसे का शिकार हो गई। एक और बहन है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि 2897 शिक्षक की नौकरी, क्योंकि मेरे साथ लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक सब खड़ा हुआ है। प्रत्येक समाज का अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में हमारे जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी इस बातों के संज्ञान में डालूंगा बोले और डाल के आए। उसके बाद विष्णुदेव साय जी को बोल के कैसे भी करके हाउएवर हमारी नौकरी बचाई जाएगी, यह वचन हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। और इसीलिए मुझे किसी प्रकार का इसमें भय नहीं है। आज पूरे समाज, चाहे वो कुर्मी समाज हो, साहू समाज हो, हलवा समाज हो, पूरा समाज खड़ा है। आज हर राजनेता हमारे साथ खड़ा है और अवश्य ही हमारी इन भावनाओं को समझेंगे। और मैं बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो हेमा सिंह मैडम, जो हमारी बहन है, उसके परिवार को शक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ ही 2897 बच्चे जिनकी आंखों में आज इतना तनाव का पल नजर आ रहा है, जो कि एक शिक्षक जो कि भविष्य का निर्माण करता है, आज वो शिक्षक जो अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, आप हमारे साथ ही हैं तो कृपया करके जल्द से जल्द इनके बीच का रास्ता निकालने की कृपा करें। धन्यवाद। एक्सिडेंट आर्मी सोल्जर युवराज कुमार, नाऊ असिस्टेंट टीचर।